5:18 हुआ है और हम लोग पहुँच चुके हैं सेंट पीटर्सबर्ग। यहाँ बहुत ही ख़राब ठंडी है, बहुत ही यानी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लाइक मॉस्को वाली सीरीज़, रशिया वाली जो सीरीज़ चल रही थी उसके बीच में ये इंडिया वाला वीडियो क्यों आया। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं, वहाँ हम लोग मीटिंग यानी कि बिज़नेस की वजह से हम लोग गए थे। तो मॉस्को सिर्फ मैं 2 दिन ही रहा था, ज़्यादा घूम नहीं पाया था। टोटल रशिया की ट्रिप 4 या 5 दिन की थी। तो पहले दिन तो हुआ बैग लॉस्ट वाला कांड, यानी वो तो हम घूम ही नहीं पाए। दूसरे दिन हम लोगों ने रेड स्क्वायर और गम मार्केट और वगैरह थोड़ा बहुत घूमा। रात को बाहर निकले थे लेकिन बारिश ज़्यादा थी, इसलिए गोप्रो था नहीं साथ में और मेरा सोनी का कैमरा था तो उसको लेके हम गए तो थे लेकिन शूट नहीं कर पाए क्योंकि बारिश थी इसलिए। तो दूसरे दिन का ऑलरेडी जो अभी स्टार्ट होगा वो हम लोग जा रहे हैं मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग वाया बस, यानी बस से हम लोगों ने ट्रैवलिंग किया है सेंट पीटर्सबर्ग तक का और एकदम चीप रेट। यानी पहले मैं ट्राई कर रहा था कि ट्रेन से जाए, रशियन ट्रेन एक बार ट्राई करनी चाहिए मेरे को। तो हम लोग जा ढूंढ रहे थे कि लाइक कैसे बुक करें, तो मुझे एक बस की एड मिली, तो वो भी मैं यहाँ इको लाइन्स करके एप्लीकेशन है, इको लाइन्स बस वहाँ की, तो आप उसमें ट्रैवल करो, एकदम बेस्ट है मेरे हिसाब से तो 5 में से 5 स्टार उन लोगों को, क्योंकि अंदर कॉफ़ी मिलती है, हॉट चॉकलेट, फिर कैफे लेटे, बहुत सारी वैरायटी उसके अंदर, यानी 5 से 6 वैरायटी, तो इतना सारा चीज़ सिर्फ 700 रुपये में। और बस के अंदर टॉयलेट था, वाईफाई था, छोटा LCD था, यानी पर सीट एक एक LCD उन लोगों ने दिया था। तो वो सब चीज़ नाइट है इसलिए कैसे मैं शूट करूं, यानी स्नैप मैंने लिए थे तो मैं वो दिखा दूंगा आप लोगों को। और अगर आपको देखना है तो मैंने इंस्टा स्टोरी और रखी थी तो वो भी मैं साइट पे, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, वो मैं रख दूंगा। यानी एकदम अच्छी फैसिलिटी थी, वाईफाई था, मेन तो वाईफाई, अच्छा वाईफाई था, फिर चार्जिंग पॉइंट थे, यानी बस में इतनी अच्छी फैसिलिटी और वो भी 700 रुपये में, जो चीज़ रशियन रेलवे पर पर्सन $15 से स्टार्ट करती है, उसमें भी यानी हमारी कैसी ट्रेन रहती है वैसी ट्रेन उन लोगों की, लेकिन एक थोड़ी अच्छी फैसिलिटी होती है उसके अंदर। वो $15, $17, $20, $25 लास्ट में तो $25 ही दिखा रही थी जब मैं बुकिंग करने जा रहा था तब, कि फाइनल अमाउंट $25 पर पर्सन। और इसमें सिर्फ 700 या 750 आइडिया नहीं है, मैं वो भी टिकट भी लगा दूंगा कितने की मैंने बुक की थी, वो भी आप देख सकते हो। वो मैंने जहाँ मैं रह रहा था होटल वालों को ही मैंने बोला कि लाइक आप मुझे ये बुक करके दे सकते हैं, तो उन लोगों ने मुझे बोला ठीक है मैं आपको बुक करके देता हूँ, आप पेमेंट कर देना वहाँ। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह है या लाइक कैसे जाए वो आप देखने वाले हो कि मैं वहाँ जाके बुक करूँगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है इकोलाइंस करके। और स्टेशन पे हम सुबह से पहुँच गए थे क्योंकि हमें लगा था क्या होगा क्या नहीं, आइडिया नहीं कैसे कैसे प्रोसेस है। ऑलरेडी पहले ही दिन बैग लॉस्ट हो गई थी हमारी, यानी कार के अंदर रह गई, तो एक डर सा रहता है अंदर। यानी ऐसे तो हम काफ़ी देर तक बैठे थे, मैक्सिमम 1:30-2 बजे तक बैठे थे। बाद में हम लोगों ने फिक्स किया कि चलो हम चलते हैं मॉस्को के इंटरनेशनल बस स्टेशन पे। वहाँ गए, वहाँ थोड़ी शूटिंग की परमिशन वगैरह का इश्यू था इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया, फिर भी मैंने स्नैप और वगैरह रखे हैं तो वो है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे रख दूँगा, अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं यहाँ पे रख दूँगा। बस इतना था और यही बात आप लोगों से शेयर करनी थी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं कि कैसे हम लोगों ने ये सब बुक किया था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं आप लोगों को हेल्प कर दूँगा कैसे आप इको लाइन से बुक कर सकते हो। तो एंजॉय। वी आर गोइंग टू इंटरनेशनल बस स्टेशन जहाँ से हमारी बस है मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि हम नई सिटी में जा रहे हैं वहाँ के लिए। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा मॉस्को की जो चीज़ हमने नहीं देखी, वो जितनी पॉसिबल हो सके उतना मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। Yeah, that's so cool. Yeah, I didn't call it.
А сегодня солнышко. Угу. Stadium, yeah. Mm-hmm. I never make promises, 'cause I don't keep them. तो हम सुबह से बाहर गए थे, पहले तो मैगनेट ढूंढने, जो कि हमें नहीं मिला, लेकिन वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी वो कहाँ मिल सकता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि चेकआउट करना था होटल रूम, और इसके लिए हमने वो नहीं ख़रीदा, लेकिन हाँ सेंट पीटर्सबर्ग से हम वो ख़रीदेंगे और थोड़ी बहुत अच्छी खासी शॉपिंग भी करने का प्लानिंग है अभी तो, और हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की ओर, जो कि वहाँ से हमें बस मिलेगी हमारी। बैग भूल जाते हैं, इसलिए क्या मैंने आज अभिरज को बोला ना तू आगे बैठ, मैं पीछे बैठता हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा भुलक कट टाइप के हैं तो भूल जाते हैं, इतना खुश खुश होने में भूल जाते हैं, इसलिए मैं आज पीछे बैठा हूँ और पीछे से सब कुछ कवर कर रहा हूँ जो जितना पॉसिबल हो सकता है उतना। This is international bus station. अभी देखते हैं अंदर जाना जाएंगे फिर पता चलेगा। अभी कुछ खुला भी नहीं है, इसलिए हम अभी जस्ट ये स्टोर पे बैठे हैं और वेट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए और कॉफ़ी पी रहे हैं। अभी अभी हम लोग हैं यहाँ पे, जहाँ ये एग्जैक्टली स्टेशन के बाजू में ही एक कैफ़े जैसा है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं वेट कर रहे हैं कि थोड़ी ठंड कम हो और हम जाए और थोड़ा बहुत नाश्ता भी कर लेते हैं। और यहाँ पे सबसे सस्ता यही है मेरे हिसाब से, चिप्स वगैरह नॉर्मल प्राइस नहीं है यहाँ पे इंडिया जैसी। चिकन राइस, वाह, ना ना स्मेल नहीं कर रहा, और मेरे लिए देखो यार मैंने दो कॉफ़ी तो पी ली है, अभी देखते हैं। अच्छा तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच चुके हैं हम लोग, हम ऑलरेडी चेक इन कर चुके हैं ऑलरेडी इनसाइड, ये पीछे अभी आज का हम देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी सिटी है और बहुत शांत एटमोसफियर था, बाहर ठंडी बहुत थी इसलिए मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि पूरे हाथ जमे पड़े थे इसलिए,
अभी मैं थोड़ी देर में ये सब प्रोसेस ख़त्म होके सब कुछ दिखाऊंगा धीरे धीरे करके कि कैसा है हमारा होटल और चेक इन। और यहाँ का स्टाफ बहुत ही हेल्पफुल है, उनको इंग्लिश भी आती है। मेन चीज़ हम इंडियन को यही है कि बाहर आते हैं और इंग्लिश का बहुत इश्यू होता है कि यहाँ रशियन लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते तो क्या करें। तो आप ट्रांसलेटर भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने यूज़ किया था, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। और अभी मैं आप लोगों को छोटी सी टूर दूंगा, मेरी होटल की टूर, जिसमें आप सबको दिखेगा कि होटल का नाम क्या है। मैंने booking.com से बुक किया था, वेलकम करके होटल है, जिसमें बहुत सारी सुविधाएँ थी जैसे कि वॉशिंग मशीन वगैरह है, थोड़ी हॉस्टल टाइप लेकिन होटल ही है और बजट में है, बजटिंग जो आप लोगों का बजट होता है उसमें ही है। तो अगर आप चाहो तो मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप अगर आना चाहते हो तो आप सीधा रजिस्टर कर सकते हो। ये रिसेप्शन, यहाँ से आपको ठंडी सब कुछ मिल जाएगा जो यहाँ चलता है। फिर जाते हैं यहाँ, ये ब्रेकफास्ट, ये छोटा सा किचन एरिया है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, कॉफ़ी वगैरह सब कुछ। यहाँ पे टेबल है और ये अभिराज, यहाँ पे एक सोफ़ा भी है वेटिंग के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं रूम, ये हमारा रूम नंबर है। और एक छोटा सा फ्रिज भी है, टीवी, ग्लास, हीटर सब कुछ यहाँ पे है। और एक सोफ़ा है, आई मीन्स बैठने के लिए, इसे आप लंबा भी कर सकते हो, देख सकते हो। यह हम लोगों का दोनों का बेड है। फिर आती है यह विंडो, व्यू तो इतना ख़ास कुछ होगा नहीं क्योंकि मुझे पता है व्यू नहीं होगा, लेकिन तब भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाँ ठीक है, नॉर्मल सा व्यू है, नीचे दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो ऑसम। फिर आते हैं हम लोग वॉशरूम की ओर। और हम लोगों ने ये बुक किया है booking.com से, जो कि आप देख सकते हो ये सब हमने बुक किया है वो, और काफ़ी सही है। इसमें चार्जिंग पॉइंट है, मीन्स के चार्जिंग पॉइंट तो नहीं बोल सकते, हेयर ड्रायर वाला पॉइंट है, लेकिन हम लोग चार्जिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो। ये मैं हूँ, ये चार्जिंग पॉइंट जिसकी मैं बात कर रही है। मैंने जो होटल बुक किया है उसमें मुझे मिलता है एक ये स्लीपर्स, टॉवल बड़ा वाला नहाने के लिए, और ये एक बेड, ये अभिराज का, क्योंकि अभिराज ऑलरेडी नहाने गया है। If you like my video, then don't forget to subscribe my channel. और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आगे आने वाले ढेर सारे वीडियो जो मैंने ऑलरेडी शूट की रखी है। ओके बाय।